बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। वीडियो करने में लेट हुआ हूँ, माजरत करता हूँ जी। उसकी वजह खबर तो आप तक पहुँच चुकी है जो इस वक्त हालात दुनिया के अंदर चल रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की जंग, एक तरफ पाकिस्तान गर्दाब के अंदर घिरा हुआ, अफगानिस्तान के साथ मामलात, ईरान के साथ मामलात, भारत पर खामोशी, पाकिस्तान के अंदर मौशी निज़ाम डिस्टर्ब, सियासी निज़ाम डिस्टर्ब, और इसके अलावा बेशुमार मसाइल, अवाम किसी और तरफ, लोग किसी और तरफ, ये सारी बातें। दूसरी तरफ ट्रंप के केसेस और जो बाइडन का मुआखदा, एक साल रह गया जी ट्रंप साहब, जो हालात लग रहे हैं आने में, क्या वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट उनको आने देती या नहीं देती, ये एक बड़े सवाल है। जो बाइडन साहब अपनी आखिरी तुर्ब का पता खेल रहे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आप महसूस कर रहे हैं जो बाइडन साहब क्या चाहते हैं। ट्रंप साहब अपने आखिरी साल था और इलेक्शन का दौर था, उस वक्त माइक पोम्पियो और जेरेड क्रिश्चन को एक्टिव किया गया था। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और पूरा जोर लगाया गया था कि इसराइल को तस्लीम कर ले पाकिस्तान। उस वक्त का वजीर आजम, उसने कहा था कि मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं किसी को जान नहीं देनी। सवाल अल्लाह ताला के हाँ जब होंगे तो मैं उसके सामने हाजिर होकर क्या जवाब दूंगा कि मैंने उस मुल्क को तस्लीम किया जो जबर बर्बरियत और जुल्म की इंतहा करने में अपनी आखिरी हदें भी पार कर चुका। इसी तरह जो कश्मीर के मामलात पर उस वजीर आजम ने समझौता नहीं किया था, ये सारी बुनियादें बनी थी वहाँ पर। लेकिन फिर हालात चेंज हुए, वहाँ पर जो बाइडन आ गया, जो बाइडन के साथ साथ जो उसकी इलेक्शन मुहिम थी, उसने दो तीन वादे किए थे। एक तो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी जो अफगानिस्तान के अंदर मार पड़ी, दूसरे ही उसको शर्मिंदा उसका था जी इसराइल को ज़्यादा स्ट्रेंथन करके ज़्यादा मुल्क जो है उसकी झोली में डालने की उसने वादा किया था, जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, जो उसने अपनी कंपेन के अंदर जो वादे किए थे। अब एक साल रह गया जी इलेक्शन होने में। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हो गया, और पाकिस्तान के अंदर जब रजीम चेंज हो गया तो उसके बाद चाइना को हिट किया जा रहा है, चाइना के मुफादात को हिट किया जा रहा है, रूस को यूक्रेन के साथ उलझा दिया गया, चाइना को ताइवान के साथ उलझाने की कोशिश की, भारत के साथ लद्दाख में उलझाने की कोशिश की, इसी तरह बेशुमार महाज जो है चाइना के खिलाफ खड़े किए गए। अचानक पाकिस्तान के अंदर ये जो गुज़श्ता हुकूमत गई है, इसके दौरान कुछ आवाज़ें आती रहीं कि जहाज भरकर खुश्क मेवों के गए उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर जंग लग गई, और जिसमें अब 5,000 रॉकेट जो हैं वो जो फायर किए गए सडनली, उनके होश आवाज उड़ गए, जो छाताबरदार फौज है उसके जरिए गिराए गए, वहाँ पर लोग उतरे, कुछ बॉर्डर क्रॉस कर कर गए, उन्होंने वहाँ पर उसका जो सबसे अहम तरीन दिफाई निज़ाम है आयरन डोम, उसको भी मतलब के चकमा दिया और बरसात कर दी रॉकेटों की। उसके मुकाबले के अंदर जो जनाब इसराइली फोर्सेज हैं, उन्होंने पाकिस्तान अपना फलस्तीन पर अटैक किया, जिसके नतीजे में जो ज़राए के मुताबिक अभी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 450 से 500 के करीब लोग जो वो दोनों मारे जा चुके हैं, मुसलमान शहीद हो चुके हैं, यानी 250 या 225 के करीब जो इसराइली हैं वो जहन्नम वासल हुए हैं, और इसी तरह जो मुसलमान हैं वो जाम शहादत नोश कर गए, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी है। इसराइल जो है वो अपनी जाहिरियत पर उतर आया, उसने जनाब वहाँ पर हमला करना शुरू कर दिया जहाज़ों के ज़रिए, और एयर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए, और एम्बुलेंसेज वगैरह जो है उनको भी तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर ज़राए के मुताबिक एक नर्स और एक मरीज और उसका ड्राइवर जो है वो भी मौके के अंदर ज़ख्मी को ले जाते हुए शहीद हो गए। बेसिकली ये खबर तो अब सारे फैल चुकी है, मैं इसके प्रॉस्पेक्ट में नहीं जाऊँगा जी। सवाल ये पैदा होता है कि जो मैसेजेस आए हैं वो हैं जी तीन मैसेज, वो क्यों आए, ये जंग क्यों शुरू हुई। सबसे पहली बात है कि आप गुज़श्ता कुछ दिनों से जब से पाकिस्तान के अंदर ये रजीम चेंज का सिलसिला हुआ, तो पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हुई जिसके तहत एक जहाज की खबर आई खुश्क मेवों का, कुछ और लोग जो हैं उन्होंने सफर किया इसराइल का,
एक सहाफी को निकाला गया पीटीवी से लोगों को दिखाने के लिए। अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता कि वो कहीं किसी सफारतखाने में फिट कर दिया गया या नौकरी से फारग कर दिया गया, लेकिन उसको निकाल दिया गया। जो वफद गया था, जो प्राइवेट जो लोग अपना सौदा सामान बेचने के लिए गए थे, वो पहले 76 साल के दौरान नहीं गए थे, अब क्यों गए? इसी तरह कुछ और बातें जो है आहिस्ता आहिस्ता बाहर आनी शुरू हुई। फिर अचानक ये हालिया दिनों के अंदर, जो गुज़श्ता 1-2 हफ्ते के अंदर जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इसराइल के वजीर खारजा जो पहली दफा ऑफिशियली सऊदी अरब के जनाब सरजमीन पर उसने कदम रखा और अपने झंडे के साथ उसने कदम रखा, झंडा मतलब उसके जब फोटो सेशन किया गया तो सऊदी हुकाम जो है वो अपने झंडे के साथ खड़े थे और इसराइली जो है वो अपने झंडे के साथ खड़े थे। ये 76 साल के दौरान, या मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये सऊदी अरब के अंदर ऐसा निज़ाम नहीं देखा था। नेतन्याहू वो आया जब पहले, जब न्योम सिटी जो है वो जो बन रहा है उसके अंदर जो है वो उतरा, उसने मुलाकात की, उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, जिसका इकरार इमरान खान साहब अपने एक निजी इंटरव्यू में कर चुके हैं। लेकिन अब जो अचानक तब्दीली हुई है, ये सारी जंग जो तेज हुई है, ये इसके पीछे एक जो मुझे नजर आती है, जी मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, मैं कायज तो नहीं किसी को कर सकता, लेकिन ये जवाब है जी यूक्रेन के हमले का, ये जवाब है जी इस बात का कि सीपैक जो है उसको तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान के को एक बड़ी जंग की तरफ ले जाने की तैयारी की जा रही। जो मेरी कल वाली वीडियो मैंने उसमें कुछ तफसीलात बयान की हैं, ज्यादा नहीं बयान करूंगा इसके अंदर। और इसके अलावा जो 6 ममालक के मतलब यूएनओ के अंदर इसराइल ने अपना बड़ा बयान दिया था कि एक बड़े मुल्क के अलावा 6 मुस्लिम ममालक जो हैं, बड़े ताकतवर मुल्क जो हैं, वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है, इस वजह से कि जो बाइडन साहब का इलेक्शन आ रहा है और जो ये काम कर देगा वो अगला इलेक्शन उनके ख्याल के अंदर जीत जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि अगर अमेरिका हमारा आका जो है वो हमें आशीर्वाद दे देगा तो हम जनाब हुकूमत के अंदर आ जाएंगे। जो 76 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर यही हुआ, जिसने अमेरिका को जवाब दिया वो को जेल में चला गया, जो फांसी को फांसी चढ़ गया, किसी को गोली मार दी गई, ये 76 साल के दौरान पाकिस्तान के अंदर हुआ। इसी तरह अमेरिका के अंदर जो सिलसिला है वहां पर स्टेब्लिशमेंट जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उन उस मुल्क की लॉबी के हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी दुनिया के ताजर जो हैं वो, जिनके पास इकोनॉमी स्ट्रांग इकोनॉमी है वो भी उसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो वो अपने जैसे पाकिस्तान के लिए आका ना अहम को मतलब के अहम के लोगों के लिए आका जो है वो अमेरिका है, और इसके अलावा इसरा अपना जो अमेरिका है उसके उसके लिए आका जो है वो है जी इसराइल। अब ये सारा निजाम जो चलाया गया इसके ऊपर फिर इसका रद्द अमल आना था, और रद्द अमल जब आया तो कल जो अटैक हुआ हमास ने किया, और जिस तरीके से वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने उनकी चीखें निकलवाई या जो भी उनके साथ हुआ, लोगों के आहो पकार हुई वहां पर, लोग उनके भी जो है वो भी मरे, जो मुसलमान है वो शहीद हुए, और बेशुमार जनाब मामलात खून खराबे वाले हुए हैं। अब इसराइल ने जो अटैक किया उसके ऊपर अमेरिका ने उसकी सबसे बड़ी हमायत की है, तुर्की ने खामोशी अख्तियार की है, सऊदी अरब ने मुफाहमत की पॉलिसी अख्तियार की है, और इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ये सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, दो चीज़ें हुई हैं जी। एक तो उन्होंने मैसेज दिया है उन मुल्कों को खुलेआम, जिसमें ईरान भी है, उसने कहा जी कि जो मुल्क इसको तस्लीम करेगा फिर वो उसे हम अब अगर फलस्तीनियों के हकूक तस्लीम ना किए गए तो फिर हम उसको अपना दुश्मन समझेंगे। ये पैगाम उन मुल्कों के लिए है, 6 मुल्कों में, अब उसमें शायद पाकिस्तान हो ना हो मैं कह नहीं सकता जी, हालात ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया जी। अब उसके बाद पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या कदम उठाता है, क्या नहीं उठाता, जो ये रजीम चेंज हुआ इसके पीछे बड़ी कहानी जो है वो दो चीज़ें हैं जी। एक ये जिसकी वजह से ये जंग छिड़ी हुई है, एक अफगानिस्तान और एक चाइना, और फिर उसके साथ लिंक जो है वो ईरान श्रीलंका, ये ममालक हैं। ये सारा काम जो है ये इस वजह से किया गया कि तमाम जगह पर
जो मामलात हैं वो उसको सेटल डाउन किया जाए और जल्दी जल्दी कर दिया जाए ताकि इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की जाए। लेकिन मजामती पार्टियां जो हैं उन्होंने जनाब इसके ऊपर अपना रद्द अमल दिया। फिर उसके ऊपर हमास ने जो हमला किया वो इसराइल की तारीख के अंदर सबसे खतरनाक तरीन हमला था, ये जो कल हुआ जिसके अंदर बेशुमार हलाकतें दोनों तरफ से हुई हैं। तो इसके ऊपर अब हालात व वाक़यात किस तरफ को जाते हैं, क्या जंग ये फैलेगी, क्या जंग ये सुकड़ेगी, क्या ये जो छह ममालिक हैं ये जिस तरीके से तेज़ी से सफ़र तय कर रहे थे क्या वो सफ़र तय करेंगे, या ब्रेक लगेगी, या किसी टाइम का इंतज़ार किया जाएगा, या खुफिया तौर पर उनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा कि पाकिस्तान को पैसा चाहिए, पाकिस्तान को सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं कि अगर आप हमें तस्लीम कर लोगे तो हम आपको ग्रीन रेवोल्यूशन देंगे जिसका तذکرہ अक्सर औकात होता रहा है जी, और हम एग्रीकल्चर के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो सबका हुक्मरान है उनमें से कुछ के तल्लुकात आपको जैसा पता है कि गुज़श्ता दौरों के अंदर भी आपको कुछ लोगों के बयान सामने आए हैं। ये सारा खेल किसने खेला मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकता क्यों मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। ये सारा खेल और खेल को अमली जामा पहनाने तक ये सारा जो सिस्टम तब्दील हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये सारा खेल और खेल खेलने वाले जो हैं उनका एक ही मोटो था, उनको एक ही टास्क दिया गया था कि आप हमारा ये काम करें, हम आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। और इसी अभी ख्वाब गफलत के अंदर ये घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई बात नहीं, मॉइस्चर डाउन होगी, एक दफ़ा जो है वो पार्टियों को तो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, फिर हम जो फैसला करेंगे उसके ज़रिए हमें पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल के सवाल ये है जी कि आने वाला वक़्त ये जंग किस तरफ को जाएगी, कितना फैलेगी, या कितने मामलात जो हैं इसमें सीधे होंगे। 250 के करीब जो 200 के करीब जो जंगी कैदी बनाए गए हैं जो इसराइल के बताए जा रहे हैं वो कैदी बनाए गए हैं जी हमास ने जो दावा किया है इसराइल के मुताबिक, और उन्होंने पहले भी इनके कुछ आदमी पकड़े थे, फिर एक आदमी के बदले 1000 आदमी इन्होंने छुड़वाए थे। उनकी जेलों के अंदर 4000 इसराइली अपना फलस्तीनी जो है वो कैद हैं। क्या ये मुआहदा उस तरफ को जाएगा या अपने हकूक तस्लीम करवाने के लिए सारा कुछ किया जाएगा, ये बड़े अहम सवाल आते हैं जो आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने पेश होंगे। सवाल ये पैदा है जी कि हम कहाँ खड़े हैं, इस्लामी दुनिया कहाँ खड़ी है, दोस्त ममालक किस तरफ और किस तेज़ी से उस चीज़ को जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखें, अब मैं एंड पे बात ज़रा क्लोज करने लगा हूँ, बाकी बात तो बेशक हजारों लाखों लोगों ने की होगी। ये जो भारत ने बेल्ट एंड रोड जो बनाना शुरू किया है ये भारत से चलना है और इसराइल तक जाना है, यानी यूरोपियन कंट्रीज को टच करते हुए जाएगा जी, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। किस सिलसिले की? ग्रेटर इसराइल की। इसके अंदर तुर्की आएगा, इसके अंदर जनाब सऊदी आएगा, इसके अंदर दुबई आएगा, उनको कनेक्ट किया जाएगा, उनको को बंदरगाहें दी जाएंगी। ये सारा निज़ाम जो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के नबी पाक ने फरमाया कि रोज़े क़्यामत अरबों की तबाही होगी और इसराइल जो है वो तमाम अरब इलाके हड़प कर चुका होगा। उसने अपने नज़दीक नज़दीक के तमाम इलाके जो हैं तकरीबन इस वक्त बेयारो मदद कर दिए, जिसमें शाम, लबनान, इराक, ये बड़ी ताकतें थी कभी, अब मुफलसी का वो एक सिंबल है। इसके बाद अब उसने पंजे गाड़े जी दुबई, जो इकॉनमी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ वो कुवैत को कवर करेगा, सऊदी अरब जिसके अंदर वो जो शहर बन रहा है, जो वहाँ पर जो नक्शा पेश होगा, उसके बाद शायद ये मेरा एक दफ़ा मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये बादशाह जो है ये बादशाहत वहाँ की शायद आखिरी हो, फिर उसके बाद वहाँ रजीम चेंज हो और उसके बाद दुनिया क़्यामत तो पता नहीं, अल्लाह ताला को पता कब आनी, ये उसके बाद बादशाहत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इनकी उम्र कितनी उम्र तक चलती है, 50 साल तक बादशाहत चलती, 60 साल तक चलती है, 70 साल तक, 80 साल तक, 100 साल लगा लें ज़्यादा ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन वहाँ पर इनकलाब आएगा जी। ये आज की मेरी वीडियो जो है ये याद रहेगी कि उसके बाद फिर वहाँ पर जमहूरियत का एक राग अलापा जाएगा। वो मैं नहीं कहता जी कि 100 साल हो जाए, 30 साल में हो सकता है, 20 साल में हो सकता है। इस वक्त जो टारगेट है वो पाकिस्तान है, क्यों? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ईरान एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा है, ये दो ममालिक जो हैं
ये अदली दुश्मन गिने जाते हैं इसराइल के, इसलिए इन दोनों को टारगेट करना पहले जो है वो मकसूद है। पाकिस्तान को उन्होंने कंगाल कर दिया, पाकिस्तान को यहां तक ले आए हैं कि पाकिस्तान अब मजबूरन भूखा मरता क्या ना करता वो सब कुछ करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान इस तरह उन्होंने अपने चुंगल में फंसाया, और जिन लोगों ने फंसाया वो जो आंख का तारा इस वक्त बने हुए हैं, ये आने वाले 2 साल या 1.5 साल के अंदर इनको पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या, जब थोड़ा सा पाकिस्तान की मौईशत जो है और नीचे गिर जाएगी, फिर आपको ये सब चीज़ें जो मैं आज कह रहा हूँ आपको नजर आएंगी कि इसके पीछे कौन करदार था, किसने अपना कितना कितना हिस्सा डाला, किसने कितने कितने डॉलर लिए, और किसने कितने कितने जो हैं वो मुफादात अपने बच्चों के, अपनी औलादों के, अपने लिए वहां पर हासिल किए, जिसके इवज पाकिस्तान का सौदा किया गया। इमरान खान साहब को जो जेल के अंदर डाला गया उसकी वजह ये जो आवाम के ऊपर जबर तशद्दुद किया जा रहा उसकी वजह ये कि बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर इन दो मकासद के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक 70-80% आवाम और इमरान खान। ये दो जब तक आवाम को डंडों से दबाया जाएगा, इमरान खान साहब को अंदर रखा जाएगा या भुट्टो बनाने की कोशिश की जाएगी, ये सारे काम करके वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी सऊदी अरब, दुबई और फलां फलां मुमालिक जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ कोई शफकत वाला रवैया रखेंगे, वो अपने मुफादात देखेंगे, उन्होंने अपनी तबाही की तरफ जाना है, और ये मेरे नबी का फरमान है, इसे कोई टाल नहीं सकता, ग्रेटर इसराइल बनना है, और बनने के बाद फिर दुनिया के अंदर जो क्यामत बरपा होगी उसके बाद फिर क्यामत आएगी। ये है जी आज तक का सफ़र, और जो कुछ फलस्तीन ने मैसेज दिया है, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं, जो इस्लामी जेन रखते हैं, उन्होंने जो जिन लोगों के पास ताकत है पाकिस्तान की, उनके उनको उन्होंने अपील की है ट्वीट के जरिए, या डायरेक्ट भी किसी ने कहा है जी, जो जराए के मुताबिक खबर आ रही है, उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए इमरान खान को जेल से छोड़ा जाए, वो अपना खिताब करे, पूरी उम्मत मुसलमा को इस वक्त उसकी आवाज़ की ज़रूरत है, क्या इस पर अमल होता है या नहीं होता, ये आप समझदार हैं जो मैंने पहले सारी बातें बताई हैं, अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो फिर शायद वो जो ऑब्जर्वर हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो इस्लामी दुनिया में इस्लाम के लिए सोचते हैं, इस्लामी ममालिक के लिए सोचते हैं, शायद उनकी बात फिर रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाए। अगर यही बात अमेरिका कहे तो शायद 15 या 20 मिनट लगेंगे जी, सिर्फ वो गाड़ी का सफ़र होगा जी जो अडयाला जेल तक जाएगा और इमरान खान साहब बाहर होंगे, और अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा, अगर अमेरिका के मुफादात हिट होते हुए नजर आए तो फिर उम्मते मुसलमा के लोग जो हैं वो जो मर्जी कहते रहें, पाकिस्तान की 70% आवाम चाहे सड़कों पर भी निकल आए, इस वक्त भूत सवार है, और भूत सवार है, भूत का अंजाम बुरा होता है, लालच का अंजाम बुरा होता है, और जो लोग भी मुल्क के मुफादात पाकिस्तान के साथ खेलते हैं फिर उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। ये आपके सामने हिस्ट्री मौजूद है, जिस जिसने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की वो जिंदगी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन वो बिस्तरे मर्ग पर जिस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरे हैं वो भी आपके सामने है जी।